नमस्कार भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लेक्चर ऑफ एचपीएस। फ्री, टोटली फ्री सर, टोटली फ्री। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर एचपीएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड एनी हिमाचल गवर्नमेंट जॉब सर फॉर द जीएस पेपर्स। सो मतलब इसका ये है कि अगर फ्री कोर्स है तो क्या हम भी यहाँ पे बी ग्रेड, पहले तो हम खुद ही बी ग्रेड होंगे, फिर बी ग्रेड की भी बी ग्रेड सी ग्रेड टीम लगा दें कि वैसे पैसे दोगे तो सर, इफ यू पे मी मनी तो आपको ये स्टार परफॉर्मर पढ़ाएगा, इफ अगर फ्री हो तो आपको ये सी ग्रेड का आदमी पढ़ाएगा। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग सर, वी आर क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन। बट वट आर वी डूइंग ओवर हेयर? एज वी सेड, फॉर द एस्पिरेंट्स ऑलवेज एंड फॉर एवर वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी विल नॉट क्रिएट अ बी ग्रेड टीम, सी ग्रेड टीम और स्टार एंड नॉन स्टार कैंपेनर्स एंड टीचर्स फॉर आर कोर्स। वी विल गिव यू ऑनेस्टी, सिंसेरिटी and the best quality। आप चाहे फीस देके पढ़ रहे हैं हमसे, चाहे फ्री में पढ़ रहे हैं इस वाले कोर्स में जो पैंडेमिक के लिए हमने चलाया था, तो आपको सेम ही सर, सेम ही टीचर, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। कोई भी बी ग्रेड टीम नहीं लाई जाएगी यहाँ पे, राइट? चेंज करके वो इधर भाग गया, वो उधर भाग गया, वो सो गया, वो जाग गया, ऐसी लालच वाली बातें और ऐसी चलाकियां नहीं की जाएंगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। यूपीएससी को भी वर्ल्ड बैंक से प्यार है जी, एचपीएस को तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सारी की सारी से ही प्यार है जी, एचसीएस को भी थोड़ा थोड़ा प्यार है, पीपीएससी ने तो कमाल ही कर दिया इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल न्यूज से बहुत सारे सवाल पूछे। सो वर्ल्ड बैंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये ग्रुप एक्स्ट्रा वर्ड आ गए यहाँ पे सर। सो वर्ल्ड बैंक कल्ला जो हमने कल के लेक्चर में बात करी थी, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया जी, कि जो वर्ल्ड टूट गया है, देश टूट गए, उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए बैंक बनाई गई जो लोन्स देगी, कंसेशनल लोन्स भी देगी कि भाई रिकंस्ट्रक्ट कर लो। सो वर्ल्ड वॉर टू के आफ्टर मैथ में बनाया गया वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, इफ वी से ओनली दीज टू वर्ड्स वर्ल्ड बैंक, दिस मीन्स ओनली IBRD, वर्ल्ड बैंक इज IBRD। बट इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ फाइव सर, फाइव इंस्टीट्यूशंस। कौन से फाइव अभी देखते हैं, आ जाओ। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या है जी, दीज आर दी फाइव बॉडीज, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD and International Development Association IDA, International Finance Corporation IFC, then Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA, and International Center for Settlement of Investment Disputes ICSID. इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे नोट कर लो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID, प्लीज रिमेंबर दिस। रेस्ट इंडिया IBRD का फाउंडिंग मेंबर है, इसका भी मेंबर है, इसका नहीं है सर, राइट? सो प्लीज ध्यान रखना, इनके साथ साथ पांच बॉडीज आती हैं वर्ल्ड बैंक में, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांच लड़के हैं जी। सो कौन से पांच लड़के हैं? IBRD मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, IFC प्राइवेट बिजनेसेस के लिए, MIGA अगेन ये देखो प्राइवेट बिजनेस का सेक्टर यहाँ पे है, ये दो बॉडीज प्राइवेट बिजनेस के लिए हैं। ये डिस्प्यूट्स के लिए लड़ाई होगी तो सरकारों के लिए दो बॉडीज IBRD एंड IDA। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ गुड आइडिया, सरकार के लिए, सरकारों के लिए दो बॉडीज, लो इनकम कंट्रीज के लिए IDA, मिडिल इनकम के लिए IBRD, प्राइवेट के लिए दो IFC एंड MIGA, डिटेल में बात करेंगे, एंड अगर लड़ाई हो जाए तो, डिस्प्यूट हो जाए तो ICSID, राइट? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज अमंग दिस इज IBRD, जो हम कल बात कर चुके थे, ये ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस से बना था, कल वाली वीडियो प्लीज देख लेना।
राइट एंड ये प्रेपरेशन ऑफ दिस ईयर रिपोर्ट्स प्लीज ध्यान रखना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। पहले तो यूपीएससी में कहा जाता था वर्ल्ड बैंक, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आ गया तो उसे सही मान लो। और हमने भी ऐसी सी कुछ ट्रिक्स अपने एमसीक्यू हैक्स कोर्स में करी हैं, दोज आर वेरी 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 इंटेलिजेंट थिंग्स। आप लोगों को मेरे ख्याल वीडियोज में मिल गया होगा उस कोर्स का लिंक, एंड दैट कोर्स वॉज लाइव क्लास नॉट रिकॉर्डेड एज आई सेड, क्योंकि ट्रिक्स सिखाने के लिए सर, ट्रिक्स सिखाने के लिए लाइव क्लास होना जरूरी है। दैट बैच इज अबाउट टू बी कंक्लूडेड, आज शाम को ही उसकी लास्ट क्लास है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो एक और बैच चला दिया जाएगा, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये तो बट ये लाइव क्लास में चलेगा सर। राइट सो गोइंग अहेड, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रखना प्लीज। फर्दर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर गवर्नमेंट विच सब्सक्राइब टू इट्स बेसिक शेयर कैपिटल विद वोट्स प्रोपोर्शनल टू शेयर होल्डिंग। सर ये हम कल बातें कर चुके हैं कि कोटा क्या होता है, वोट कैसे चलेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात जो कल रह गई थी प्लीज इसे नोट कर लेना, अ कंट्री हैज टू फर्स्ट जॉइन आईएमएफ बिफोर इट कैन बी अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक का मेंबर होने के लिए आपको आईएमएफ का मेंबर होना ही होना चाहिए, राइट। सो आईबीआरडी एंड आईडीए को दोनों को कई बार कुल मिला के वर्ल्ड बैंक माना जाता है जी, मेजरली वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी कल्ला है, कई बार दो को रेफर करता है एज वर्ल्ड बैंक, बट ग्रुप वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांच बॉडीज हैं जी, वेयर एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल फाइव इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिवली, राइट। ऑल फाइव डिड नॉट कम इनटू फोर्स एट द सेम टाइम एज वी नो, द वर्ल्ड बैंक्स आईबीआरडी एंड आईडीए एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज की पॉवर्टी एलिवेशन कर दो एटसेट्रा एटसेट्रा। ये दोनों सॉफ्ट रेट्स पे मतलब कम रेट्स पे लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट, एज वेल एज ग्रांट्स भी देते हैं टू पुअरेस्ट कंट्रीज। लोन और ग्रांट में ही फर्क हो ना, लोन तो आपने वापस करना है, ग्रांट तो एक तरह से भीख हो गई सर कि वापस नहीं करना, रख लो। इंडिया ने अब पॉलिसी जो बनाई है, इंडिया ने लोन तो ले लेते हैं दुनिया से सॉफ्ट रेट पे, बट ग्रांट लेना बंद कर दिया है कि अब हम भिखारी नहीं है, ग्रांट नहीं चाहिए हमें, हम देंगे तुम्हें ग्रांट, नो इश्यूज, राइट। सो आईबीआरडी फोकसेस ऑन मिडिल इनकम क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज, आईडीए और भी गरीब पुअरेस्ट कंट्रीज जो क्रेडिट वर्दी ना भी हो उनकी डेवलपमेंट के लिए आईडीए इज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी, राइट। सो गोइंग फर्दर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दैट इज आईडीए पुअरेस्ट कंट्रीज को हेल्प करता है, 1960 में क्रिएट हुआ था, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन देगा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी देगा, एंड 80 पुअरेस्ट कंट्रीज को देता है जी आईडीए रीपेमेंट लंबे टाइम के लिए, कि आराम से दो आप गरीब हो कोई बात नहीं, ग्रांट भी दे देगा, कंसेशनल लोन एंड ग्रांट्स भी देगा जी, राइट। सो व्हाट डज इट डू, द हेवीली इंडेब्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव है इनका, एंड मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव, HIPC एंड MDRI आर इट्स इनिशिएटिव, और पुअरेस्ट कंट्रीज को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए डेवलपमेंट लोन्स देते हैं, राइट। एंड डोनर्स, यहाँ पे डोनर्स होते हैं जी, डोनर कंट्रीज, दे मीट एवरी 3 years टू रिप्लेनिश IDA funds एंड रिव्यू its पॉलिसीज। सो अमीर देश लोन के लिए डोनेशन देते हैं और आगे ये लोग IDA वाले लोन देते हैं सर। सम कंट्रीज सच एज नाइजीरिया एंड पाकिस्तान आर IDA एलिजिबल ऑन पर कैपिटा इनकम लेवल्स and are also credit worthy for some IBRD borrowing. They are referred to as blend countries. So, जो IDA के पुअरेस्ट में भी आए और IBRD से भी लोन ले सके, credit worthy भी हो, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं जी blend countries. सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, blend countries is related with which of the following? So, answer is World Bank. Please remember sir and ma'am. Right? कितने members हैं जी IDA की? 173 हैं. अगर change हो गए तो मुझे बता। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो हमने पहले डायग्राम में देख लिया था कि ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को सर प्रमोट करेगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रमोट्स द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज एज अ वे टू रिड्यूस व्हाट, पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स। पॉवर्टी हटाने के लिए और लोगों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए और रोजगारी बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाली बॉडी है IFC एंड इट इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, प्लीज रिमेंबर दिस।
IFC shares the primary objective of all World Bank Group institutions, that is to promote and improve the quality of life of people in developing countries. And IFC is the largest multilateral source of loan and equity financing for private sector. So private sector ko loan bhi dete hain aur equity bhi dete hain. Aur India iska founding member hai. India mein bhi bahut sari IFC ki investments hai. Aur IFC ne hi pehla rupee bond, that is rupee denominated bond, that is masala bond issue kara tha sir. So India ka rupee domestic currency denominated bond is masala bond. अब आप मुझे बताओ कि सैमुराई बॉन्ड कौन से देश का है, कमेंट सेक्शन में बताना सर, सैमुराई बॉन्ड और डिमसम बॉन्ड कौन से देश का है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज, राइट। सो मीगा एंड आईसीएसआईडी, मीगा इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सपोज आप यूएसए में रहते हैं, आपको पता है यूएस तो बढ़ता है 1-2%, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ इज बांग्लादेश for the previous 2 years. So आपको पता है बांग्लादेश बढ़ रहा है 8-10%, चलो पैंडेमिक टाइम छोड़ दो, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। सो अब आपको पता है यहाँ पे $100 लगाऊंगा तो एक साल बाद 101 मिल जाएगा, यहाँ पे लगाऊंगा तो 110 मिलेगा। बट अब आपको डर लगता है मैं न्यूयॉर्क में बैठा बैठा ढाका में पैसे लगा दूं, चित्तागोंग में पैसे लगा दूं, बट पैसे वापस ही ना आए, कोई खा जाए वहां पे, फिर मैं बांग्लादेश के कोटों में धक्के खाता रहूं, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट मेरे को पकड़ लें। सो आपको डर ना रहे तो ये इंश्योरेंस दे देते हैं मीगा वाले, थोड़ा सा प्रीमियम लेके आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर देते हैं सर। सो इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी प्रमोट्स एफडीआई इनटू डेवलपिंग कंट्रीज, एज आई सेड इन यूएस बांग्लादेश एग्जांपल, इनटू डेवलपिंग कंट्रीज बाय इंश्योरिंग सर इन्वेस्टर्स, इंश्योरिंग द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट नॉन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। ये नहीं है कमर्शियल रिस्क नहीं है कि आपने सौदा किया, अच्छा पेप्सी की दुकान खोल दी, वहां पे पेप्सी नहीं बिकती तो क्या करें, नहीं, पेप्सी की दुकान खोली, अगर सरकार ने धक्का कर दिया आपके साथ या गुंडा कर दी होगी, नॉन कमर्शियल रिस्क का प्लीज ध्यान रखना, राइट। एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मीगा, लास्ट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, प्रोवाइड्स फॉर द कंसिलिएशन एंड ये एडीआर होते हैं जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिजम्स, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, कभी पॉलिटी कराएंगे जरूरी तो उसमें इसकी बात करेंगे, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मीडिएशन ऑल दीज थिंग्स, एंड कुछ लोगों के भ्रम भी तोड़ देंगे इससे, राइट। सो कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जैसे केन वेदांता डिस्प्यूट है तो यहाँ पे हो सकता था, सरकारों के बीच हो सकता था, इंडिया अमेरिका बीच में कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, हाँ जी जा सकते थे, बट बिटवीन मेंबर कंट्रीज, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। यहाँ पे मेंस में डिस्कशन वाली बात है दैट व्हाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर, प्रीलिम के लिए इतना बहुत है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी, सो वेयर एज इट इज मेंबर ऑफ ऑल फोर अदर बॉडीज ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बट आईसीएसआईडी का इंडिया हिंदुस्तान मेंबर नहीं है सर, राइट। सो दिस इज इनफ फॉर द डे, वी हैव कवर्ड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक and its functioning as much was required. So please try to keep this in mind. This is very, very important. And tomorrow we'll do another important topic, the rest of the important international bodies, sir. And aisa nahi hai ki koi, again I repeat, B-grade team se aa jayega ekdam se all of a sudden, ki pehle din lalach dene ko alu ke saath gulab jamun bhi de diya, fir uske saath agle din patisa bhi de diya, और तीसरे चौथे दिन तक जाते जाते जेल की रोटी पे पहुंच गए जी, ऐसा नहीं होने वाला। हमारी ए ग्रेड, ए फॉर आर इंस्टीट्यूशन अनमोल मेहता सुपर 20 एंड ए ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी बेस्ट टीम ही रहेगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव अगेन, थैंक यू हिमाचल प्रदेश, वी आर वेरी वेरी प्लीज टू सर्व यू एंड होप ऑल ऑफ यू गेट थ्रू एंड गेट ग्रेट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।